हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं। क्लास सेवन के लिए वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। रेगुलेशन वन पहले ही खत्म कर चुके हैं, हम लोगों का सेकेंड चैप्टर होगा लेसन टू, और उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब एनिमल्स अपने न्यूट्रिशन को कैसे इंटेक करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। अब समझ में वो जो सारे लिविंग है वो प्लांट को छोड़ के कोई भी अपना फूड प्रिपेयर अपने से नहीं कर पाता, वो अपने फूड के लिए इस पर डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है। वो प्लांट द्वारा किए हुए साइंटिफिक फूड पे डिपेंडेंट है और इसीलिए इन्हें ये अपने से फूड को प्रिपेयर नहीं करते, इसलिए इन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा है। और इस मोड को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आई बात समझ में। और जो एनिमल्स विच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड इन द सॉलिड फॉर्म, सारे फूड को वो सॉलिड फॉर्म में जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे हम होलोजिक बोलते हैं। When the food is taken in the form of solid particle as a whole, the method of food intake is known as hologic. आई बात समझ में। और इस मोड को हम लोग होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। रेडियो तो होलोजिक और होलोजिक न्यूट्रिशन, इस मोड को जब कोई भी ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑल टाइप्स ऑफ फूड इन सॉलिड फॉर्म, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजिक होलोजोइक। होलोजिक न्यूट्रिशन और जो मोड होता है होलोजिक न्यूट्रिशन का उसे होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट टू स्टे अलाइव एंड ग्रो। जो सारे ह्यूमंस हैं, यहाँ तक कि ह्यूमंस जो सारे एनिमल्स हैं यहाँ तक कि ह्यूमंस भी, इन्हें भी अपने स्टे अलाइव जिंदा रहने के लिए और अपने ग्रोथ के लिए कंटिन्यू न्यूट्रिएंट की जरूरत है। बिना न्यूट्रिएंट के ये ग्रो नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। ये न्यूट्रिएंट्स हम पाते कहाँ से, माय डियर स्टूडेंट्स? दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। ये न्यूट्रिएंट्स को हम लोग फूड से पाते हैं, फूड से एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे बॉडी एब्जॉर्ब करती है, समझ रहे हैं ना। द फूड दैट वी ईट इज नॉट इन द फॉर्म दैट कैन स्टैटिक प्रोवाइड अस विथ न्यूट्रिएंट। जो हम खाना खाते हैं तुरंत, वो तुरंत हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट के रूप में एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो कई प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। सबसे पहले इसे हम लोग फर्स्ट इट विल बी टेकन बाय द माउथ इन द इन और बॉडी, है ना। तो सबसे पहले ये हमारे मुंह में जाता है, उसके बाद ये छोटे छोटे पीस में टूटता है, फिर हमारे बॉडी द्वारा डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट किया जाता है, जो हमारे बॉडी द्वारा तैयार किया जाता है, उसे फिर न्यूट्रिएंट को हमारे ब्लड द्वारा कैरी किया जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, उसके बाद हमारे सेल उसे एब्जॉर्ब करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर निकाल देते हैं, इसे डिजेशन बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम सॉलिड फॉर्म में जो फूड होता है ऑर्गेनिक फूड उसे हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इंगेशन। सबसे पहले इंगेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड फ्रॉम आउटसाइड इन टू द बॉडी थ्रू माउथ। ये हमारे बॉडी में बाहर से लिए जाने वाला फूड है और किसके द्वारा, माउथ के द्वारा। हम अपने मुंह से अपने भोजन को लेते हैं। मैक्सिमम एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर इनटेक फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ, बट सम एनिमल्स आर डिफरेंट यूजिंग द डिफरेंट ऑर्गन टू इनटेक फूड। डू यू अंडरस्टैंड?
उस जो एनिमल है वो अपने जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है ना, पैरामीशियम दिस आर द एंटिटी फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन है ना। तो मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड को इसके द्वारा लेते हैं, माउथ के द्वारा, तो इसे हम इंगेशन बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी थ्रू माउथ इज कॉल्ड इंगेशन। समझ रहे हैं ना। तो हम आउटसाइड से जो फूड को इंटेक करते हैं माउथ के द्वारा, इस प्रोसेस को आप लोग इंगेशन करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट एनिमल आर यूज डिफरेंट ऑर्गन फॉर इंटेकिंग फूड। अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के अपने ऑर्गन को यूज करते हैं, सारे माउथ का ही नहीं यूज करते। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं मतलब इंटेक फूड के लिए, तो ये हो गया इंगेशन। दूसरा आप लोगों का हो गया डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स अपने बॉडी द्वारा एक डाइजेस्टिव सूप जूस सेक्रेट करते हैं अपने फूड पे, ताकि वो सोल्यूबल फॉर्म में आए। तो उसका डिफिनेशन होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फूड सबस्टांस इनटू सिंपल सोल्यूबल फूड सबस्टांस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें इनसोल्यूबल जो फूड सबस्टांस है वो सोल्यूबल फूड सबस्टांस में चेंज होता है, किसके द्वारा, हमारे किसके द्वारा, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, और वो हमारे बॉडी द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। समझ रहे हैं ना। तीसरा हुआ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड इन द सोल्यूबल फॉर्म पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी में ब्लड की हेल्प से उस सोल्यूबल जो लिक्विड फॉर्म में आ चुका हुआ हमारा फूड आइटम होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड के हेल्प से कैरी होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच द फूड इन द सोल्यूबल फ्रॉम पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड सच एज द ब्लड। हमारे ब्लड के हेल्प से जो हमारे फूड सोल्यूबल फॉर्म में रहते हैं वो जो पास होते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फोर्थ है एसिमिलेशन। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एसिमिलेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। ये हमारे बॉडी द्वारा जो सोल्यूबल फॉर्म में फूड होता है, ये हमारे उस फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो लिक्विड फ्लूइड फॉर्म में रहता है उसे ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इससे होता क्या है कि हमारे बॉडी फिजिकल वर्क करने में, ग्रोथ करने में बॉडी को हेल्प मिलता है। इसलिए एसिमिलेशन हमारे बॉडी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये एसिमिलेशन नहीं होता उसमें से न्यूट्रिएंट्स को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते अपने फूड आइटम में से, तो इसलिए एसिमिलेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड फॉर तो बता रहे थे एसिमिलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। ये हमारे फ्लूइड में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है,
और हमारे बॉडी को ग्रोथ में। इसलिए एसिमिलेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और लास्ट है इगेशन, ध्यान दीजिएगा। तो इगेशन अगर नहीं रहेगा तो भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि हमारा जो आरओ घर में है, आरओ फिल्टर, वाटर फिल्टर, आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखते होंगे कि ये उसमें बाहर की तरफ पाइप निकला होता है, और जैसे ही हम उसमें से आरओ में से पानी निकालते हैं तो फिर जब ये वाटर को फिल्टर करने लगता है तो इसमें से पानी, वेस्ट वाटर बाहर निकलता है। उसी तरह हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो मटेरियल हमारा बॉडी यूज कर लेता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सारे मटेरियल तो यूजेबल होंगे नहीं, उसमें से कुछ तो वेस्ट होंगे ही, तो इस इगेशन प्रोसेस के द्वारा उस वेस्ट मटेरियल को हमारा बॉडी बाहर निकालता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ द फूड। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बाहर निकाला जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स ऑफ द फूड। हमारे सॉलिड फूड का जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट होता है उसे ये एलिमिनेट करता है, मतलब बाहर की ओर निकालता है। बात समझ में? ये हमारा इगेशन होगा। तो ये सारे मेथड द्वारा हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि हमारे जो प्लांट होते हैं वो फूड साइंथेसिस करते हैं, उस फूड को हम एनिमल्स और हम यहाँ तक कि ह्यूमंस भी उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? तो जो मोड होता है होलोजिक मोड, जो कि सॉलिड फूड को इनटेक करने का प्रोसेस है, होलोजिक मोड में ये पांच प्रोसेस होता है जिसके कारण हम लोग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर ये पांचों प्रोसेस नहीं होता तो, अगर मान लीजिए इगेशन हमारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में काम करता है, लेकिन ये जो वेस्ट मटेरियल मान लीजिए पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, तो ये बढ़ के 3 दिन में इतना बढ़ होता है। इसी तरह कंटिन्यू अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो हमारे बॉडी में कहीं जगह ही नहीं मिलेगा जिससे कि हम अपने फूड को इंटेक कर पाए। जब इंटेक नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स नहीं निकलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स नहीं निकलेंगे तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? हमारा बॉडी डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी नहीं रह जाएगी, विटामिन मिनरल्स नहीं रहेंगे, है ना? ये सारे प्रोसेस हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट होगा न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर्स। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्सॉर्ब करते। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक हम बोले हैं कि न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर्स होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते क्या है पहले हमें ये जानना होगा। तो वैसे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे जैसे अमोबा, अमीबा एंड पारा परामेशियम, ये दोनों ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम जानेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा इनगल्फ द टीनी पार्टिकल ऑफ फूड बाय थ्रोइंग इट्स फास्फेट। ये अपने फूड को इनगल्फ अपने फास्फेट के हेल्प से करता है। आई बात समझ में? ये जो हम
यूनिसेलुलर अमीबा इन द टीनी पार्टिकल ऑफ फूड। अब ये जो फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इनको ये निगल जाता है, किसके मदद से, अपने फाल्स फीट, उसके पैरों में एक फाल्स फीट होता है। मान लीजिए अमीबा का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, तो ये जो फाल्स फीट है इनके अंदर उनके मदद से, ये फाल्स फीट है इनके मदद से ये इन्हें इनगल्फ कर लेता है। आई बात समझ में? इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, तो और इस फास्ट फीट के चारों तरफ सार्डोपोडिया, ये जो आउटर पार्ट है इसे सेरोडोपोडिया, इसकी मदद से, इसे जो फास्ट फिट होता है इसे हम सारडोपोडिया भी बोलते हैं। द सारडोपोडिया ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए स्मॉल कैविटी नोन एज फूड वैक्यूल। जो ये फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल, इसके चारों तरफ ये सारडोपोडिया फैला होता है। ये सारडोपोडिया फूड को यहाँ जैसे ही मिलता है ये यहाँ फूड वॉक्यूल में धकेलने का काम करता है, और ये जो फूड वॉक्यूल होता है यहाँ एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है। क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है, जिससे ये सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है और फिर उसे एसिमिलेशन कर लेता है। जब सोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा तो एसिमिलेट कर लेगा। आई बात समझ में? और उसे अपने बॉडी के फंक्शन के लिए, वायरलेस फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए यूज कर लेता है। आई बात समझ में? ये हो गया अमीबा का हमारा न्यूट्रिशन बोर्ड, मतलब अमीबा अपने फूड को ऐसे एब्जॉर्ब करता है। अब आई बात पारामीशियम की, है ना? तो जो पारामीशियम होता है, ये पारामीशियम अभी बताया कुछ देर पहले कि अमीबा और पारामीशियम दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अपने ये फूड को अपने बॉडी पार्ट्स के हेल्प से लेते हैं। तो ये अमीबा अपने फूड को सारडोपोडिया के मदद से लेता है, और सारडोपोडिया में फूड वॉक्यूल होता है जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, जिसके कारण वो फूड सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, और सोल्यूबल फॉर्म में आने के बाद वो उसे एसिमिलेट कर लेता है। नेक्स्ट हुआ पारामीशियम, इसके पास स्टीफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरह से, और जिसे सीलिया बोलते हैं, सीलिया। इसके स्टीफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सीलिया बोलते हैं। ये इसके बॉडी से अटैच रहता है, और ये जैसे ही सीलिया के पास कोई टीनी पार्टिकल फूड के आते हैं, ये इसे बीच में अंदर धकेलने का काम करता है, अंदर धकेलने का काम करता है। और पारामीशियम के बीच में एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहां से ये अंदर आएगा ये अंदर ले लेता है, और जब अंदर आएगा तो उसके बाद इसमें भी फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगा, और डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगा तो फिर उसे एसिमिलेट कर लेगा। आई बात समझ में? ये होता है पैरामीशियम का। दोनों का लगभग एब्जॉर्प्शन ऑफ मोड सेम है, लेकिन उसमें सारडोपोडिया की मदद से फूड को एब्जॉर्ब स्टार्ट करता है, इंगेशन अपना सारडोपोडिया की मदद से, इसमें इंगेशन सीलिया की मदद से। ये इंगेशन आर स्टार्ट इन पारामीशियम विद द हेल्प ऑफ सीलिया, बट इंगेशन इज स्टार्ट इन द अमीबा विद द हेल्प ऑफ सारडोपोडिया। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अभी तक हम लोगों का यूनिसेलुलर के बारे में है। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट होगा न्यूट्रिशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हैं, अपने
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार हम बोलते हैं कि आप लोग यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट दूर करने की कोशिश की जाए। यू अंडरस्टैंड।